ये 250 ग्राम हरा मिर्चा है। इसे मैंने अच्छे से धो के इसे सुखा लिया है और इसका डंडल भी निकाल लिया है। देखिए, और इसका मैं बहुत ही टेस्टी चटपटा तीखी मिर्ची का अचार बनाऊंगी। बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनेगी ये। तो आप लोग पूरे वीडियो देखिएगा कैसे बनाऊंगी, तो आप लोग को पता चल जाएगा। और मेरे साथ शुरू से एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो अब मैं इस मिर्ची को दो टुकड़े में तोड़ देती हूँ इस तरीके से। देखिए, सारा मिर्ची को मैं इसी तरीके से दो टुकड़े में तोड़ दूंगी। देखिए, मैंने सारा तोड़ लिया है दो टुकड़े में। अब इसमें डालूंगी 1.5 चम्मच नमक, 1/2 हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच, और इसमें डालूंगी अब मैं लेमन का जूस। ये देखिए, यह हमारे यहाँ का लेमन है, काजी नींबू, इसी का जूस डालूंगी। देखिए, बहुत इसका रस होता है, बहुत ज़्यादा। देखिए, देखिए, ये मैंने आधा ही डाला है, आधा छोड़ दिया है। अब मैं इसे मिक्स करके 2 आवर्स रेस्ट में रख दूंगी। देखिए, इसे मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसे मैं 2 आवर्स रेस में रख दूंगी। अभी 2 घंटे बाद फिर मिलते हैं। तो मैंने मसाले में ली हूँ ये 2 चम्मच काली सरसों है, या अजवाइन है 1 चम्मच, और थोड़ी मेथी दाना है। बाकी सौंफ, धनिया, जीरा मेरा पास भून के कुटी कूट के रखी हुई है। तो अभी इतना को ही मैं भून के पीस लूँगी। देखिए, इसे मैं भून लेती हूँ। तो ये भून लिया है, अब इसे ठंडा होने के बाद मैं पीस लेती हूँ, दरदरा पीसूंगी। तो देखिए, मैंने पीस लिया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच 2 चम्मच सौंफ पाउडर डाली हूँ, पान जीरा, 1 चम्मच जीरा पाउडर है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। मसाला
मसाले भी रेडी हो चुका है, अब इसे भी रख देती हूँ 2 आवर्स बाद, मिलते हैं। तो देखिए अचार बनाने के लिए मैंने ऑयल भी गरम कर लिया है, ये देखिए 200 ग्राम ऑयल है। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ कलौंजी, थोड़ी मेथी दाना और ये हींग, और गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ और ठंडे होने देती हूँ इसे। नमक और नींबू में भिगो के रखे हुआ 2 आवर्स हो गया है मिर्ची का, देखिए। अब इसी में ये जो मैंने मसाले रेडी की थी मसाले डालूंगी इसमें, हल्दी पहले ही डाल के रखी थी जब नमक और नींबू में जब भिगोई थी तभी हल्दी डाली हुई है इसमें। अब ये मसाले मैं सारे डाल देती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ी काला नमक डाल देती हूँ, 1/2 चम्मच। अब इसमें जो मैंने ऑयल गरम की थी उसे डालूंगी इसमें। मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। ऑयल डाल देती हूँ। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अब इसे एक डब्बे में भर के रखूंगी। इस डब्बे में भर के रखूंगी मैं, ये डब्बे एकदम सूखा है बिना पानी का, धो के अच्छे से साफ कर लिया है, ये सूख चुका है देखिए। अब इसे मैं भर के रखूंगी इसी में। तो देखिए गाइस मैंने भर लिया है दोनों डब्बे में। तो ये इसे अब 2-4 दिन धूप में देके आप लोग इसे खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनेगी ये मिर्ची की अचार, चटपटा तीखी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप लोग इसे रोटी या चावल के साथ खा सकते हो।